हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप गूगल एडसेंस में टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, उसे कैसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आप इस टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म को 31 मई से पहले पहले नहीं भरेंगे तो आपको 24% टैक्स देना पड़ेगा अपनी कमाई का। जो भी व्यूअर्स आपके US से होंगे उस कमाई का, तो इसे भरना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इसे भर देते हैं तो आपको सिर्फ 15% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक एक स्टेप को बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ गूगल पे सर्च करना है, गूगल एडसेंस एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको ये गूगल एडसेंस वाला ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ये साइड में आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में साइन इन का ऑप्शन है। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा तो अकाउंट बना लेना, मैंने बनाया हुआ है इसलिए साइन इन करूँगा। मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा तो इसमें हमें अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है, जिस ईमेल आईडी से हमने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ। तो इसमें आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें नोटिफिकेशन आया हुआ है टैक्स इंफॉर्मेशन भरने के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैनेज टैक्स इन्फो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें फिर से हमारी जीमेल आईडी में साइन इन करने के लिए बोलेगा कंफर्म करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करके और जीमेल आईडी में लॉगिन, इसी में एडसेंस वाली में लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है और उसके बाद हमारे पास ये वाला फेज आ गया है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, तो इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप नॉन इंडिविजुअल एंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये इंडिविजुअल अकाउंट है तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है आर यू ए सिटीजन और रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे फॉर्म आ गया है, कौन सा फॉर्म है, इस वाले W8PEN। इसमें लिखा हुआ है दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय नॉन US इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। मतलब जो नॉन US इंडिविजुअल हैं उनके लिए ये फॉर्म है और ये फॉर्म उन नॉन के लिए है जिनका कोई बिजनेस है। तो हमारा बिजनेस नहीं है तो हम इस वाले फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा यहाँ पे डूइंग बिजनेस एज नेम और डिसग्रेडेड डिसगार्डेड एंटिटी, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, कंट्री में हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे नीचे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन नंबर फोरेन टिन, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस फोरेन टिन का मतलब होता है ये आपसे आपका पैन नंबर पूछ रहा है, ठीक है, उसी को हम ये टिन नंबर भी कहते हैं फोरेन टिन। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है आपको सारा।
यहाँ पे ये पूछ रहा है पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो हमारा वो सेम ही है। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एड्रेस वही डालना है जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में है, जो आपका वही लीगल एड्रेस ही आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको टाउन डालना है, सिटी है जो, और वहाँ पिन कोड, स्टेट हरियाणा है, हरियाणा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें ये आपसे पूछेगा यहाँ पे आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी। तो ये रेजिडेंस ऑफ कंट्री इंडिया ट्रीटी विद यूएस के साथ है, इसलिए हम इसे यस करेंगे। और यहाँ पे हम ट्रीटी विद यूएस कंट्री यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। करंट कंट्री जो है हमारी इंडिया, कहाँ है, आई इंडिया, इंडिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं, तीन ऑप्शन हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पे ये सबसे पहला है सर्विस, स्पेशल रेट्स और कंडीशंस हैं यहाँ पे एडसेंस की, तो यहाँ हम इस पे टिक करेंगे। और यहाँ से हमें आर्टिकल 7 और पैराग्राफ 1 लेना है, और यहाँ पे हमें रेट 0% रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, इस पे भी टिक कर देंगे। उसके बाद सेकंड है मोशन पिक्चर और टीवी, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आर्टिकल 12 सेलेक्ट करेंगे और इसमें हमें 15% रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे इस बॉक्स को भी टिक करेंगे। और इसके बाद ये अदर कॉपीराइट है, इस पे भी क्लिक करना है, इसमें आर्टिकल 12 सेलेक्ट करना है और इसमें भी हमें 15% रखना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे हमें इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, जो ये चौथे नंबर पे है, कि हमें यहाँ पे ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट जो हम फिल कर रहे हैं, हमारा टैक्स फॉर्म। उसके बाद हमें यहाँ पे आई कंफर्म डेट आई हैव रिव्यूड, इस पे के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे हम जैसे ही करेंगे ये सर्टिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे हमसे लीगल नेम पूछेगा, तो यहाँ पे हम लीगल नेम डाल देंगे अपना जो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद ही हमसे पूछेगा आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमसे ये पूछेगा हैज द इंडिविजुअल एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज एंड सर्विस फॉर गूगल विद इन द यूएस, तो हमें इस पे नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें आई सर्टिफाइड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये हमसे पूछेगा आर यू प्रोवाइड टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट, ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने एक बार भी इससे पेमेंट नहीं लिया है, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हमने पेमेंट ले रखा है, एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल है, तो हम ये नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने पेमेंट नहीं ली है, हम फर्स्ट टाइम ही ये कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है एडसेंस से, तो हम यहाँ पे न्यू वाले पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अप्रूव हो चुका है, यहाँ पे ये क्लेम हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 15% मोशन पिक्चर्स, अदर कॉपीराइट 15%, WAPN सर्विसेज 0%, ये क्लेम हो चुका है, अप्रूव हो चुका है आपका। ये टैक्स फॉर्म जो भी है वो पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस में अपने टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म को पूरी अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप गूगल एडसेंस पे टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं सही तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।